वेलकम टू आज क्या बनेगा। आज हम बनाने जा रहे हैं नवरात्रि स्पेशल एप्पल शेक। एप्पल शेक बहुत ही हेल्दी है, टेस्टी है। मैं इसमें शुगर ऐड नहीं कर रही हूँ और बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनाने वाली हूँ। इसको कोई भी शुगर पेशेंट भी आराम से ले सकता है और फास्ट में इसको लेने से आपको बहुत एनर्जी मिलेगी। मैं इसमें बहुत से ड्राई फ्रूट यूज करने वाली हूँ और लास्ट में मैं इसको इस तरह से गार्निश करके प्रेजेंट करने वाली हूँ। आइए बनाते हैं बढ़िया सा हेल्दी एप्पल शेक। इसके लिए मैंने लिया है एक लाल एप्पल जो मीठा है, एकदम अच्छे से पका हुआ लाल एप्पल लेंगे। और मैंने लिए है एप्रिकोट, ये सूखे हुए एप्रिकोट है पांच। पांच खजूर लिए हैं, आप चाहें तो सीडलेस खजूर भी ले सकते हैं, वरना आप दूतक निकाल करके इसे साफ कर लीजिए। 15 से 20 काजू लिए हैं, काजू कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ा देते हैं तो थोड़ा फैट कंटेंट इसमें ज्यादा होता है, आप काजू स्किप कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने लिए हैं अखरोट, अखरोट मैंने 3-4 अखरोट लिए हैं सिर्फ। इसमें डालूंगी 3 हरी इलायची, 5-7 बादाम, एक छोटी कटोरी से सफेद तिल और मैं इसको फुल क्रीम मिल्क से बनाने वाली हूँ। तो मैं सबसे पहले काजू, अखरोट, बादाम और सफेद तिल को एक साथ डालकर बहुत अच्छे से वॉश कर लूंगी। एप्रिकॉट भी अच्छे से वॉश कर लूंगी। वॉश करने के बाद इनको हम छलनी में सुखा देंगे। ऐसा करने से एकदम क्लीन रहेंगे, क्लीन होंगे तभी हम व्रत के लिए यूज करते हैं। वैसे भी पैक हो या ना हो, आप ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से वॉश करके ही यूज कीजिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि पैक होने से पहले वो किस कंडीशन में था। एटलीस्ट हम ऊपर से क्लीन करके तो यूज कर ही सकते हैं। अभी मैंने इन्हें वॉश कर लिया है, थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए छोड़ दूंगी। तक ये सूखते हैं तब तक मैं खजूर में से गिटक निकाल करके अलग कर लूंगी। सीडलेस ले सकते हैं, साथ ही साथ हम हरी इलायची को भी छील लेंगे, केवल उनके बीज लेंगे, छिलके को हटा देंगे, चाय वगैरह में यूज कर सकते हैं। फिर हम सारे बड़े बड़े ड्राई फ्रूट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। बादाम काजू को भी हल्का हल्का काट लिया है और 5-7 मिनट के लिए इसे दूध में भिगो दूंगी। अगर भिगोने के लिए टाइम नहीं है तभी भी आप इसको दूध की मदद से एक पेस्ट बनाने के लिए मिक्सर में मिक्स कर लीजिए। अच्छे से फाइन पेस्ट बनाएंगे, आप चाहें तो थोड़ा दरदरा पेस्ट भी बना सकते हैं। पहले हम ड्राई फ्रूट्स को कसेंगे और जब तक ये भीग रहा है तब तक हमने सेब को छील लिया है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। मैं लूंगी एक मिक्सी का जार जिसके अंदर पहले से ही मैंने काली मिर्च पीसी थी व्रत के लिए। आप हल्की सी काली मिर्च ऊपर से डाल सकते हैं, काली मिर्च डालने से इसको पीते हुए खराश नहीं आएगी और एक हल्का सा स्पाइसी फ्लेवर आएगा, वो बहुत अच्छा लगता है। इन ड्राई फ्रूट्स की स्वीटनेस के साथ साथ ये हल्का सा टैंग हो जाएगा। अब हमने इसका एक पेस्ट बना लिया है, पहले ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट हुआ है, उसके बाद हम सेब डाल रहे हैं। सेब को बाद में डालने से फायदा ये होगा कि ड्राई फ्रूट्स और भी अच्छे से पिस जाएंगे। देखिए अभी भी ये जो पेस्ट है ये काफी थिक है, इसको आप जितना चाहे उतना पतला कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये हेल्दी सा एप्पल शेक पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक हेल्दी रेसिपी के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।